देश की राजधानी दिल्ली की आबो हवा में कितना जहर घुल चुका है, इसका अंदाजा अस्पतालों में लग रही भीड़ देखकर लगाया जा सकता है। हालांकि दिल्ली सरकार इसके लिए जरूरी कदम उठा रही है। प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया है और बाकी क्लासेस के लिए आउटडोर एक्टिविटीज पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली में वाहनों के लिए ऑड इवन दोबारा से लागू करने पर विचार किया जा रहा है। बहरहाल जो हाल दिल्ली और आसपास के इलाकों का है, कुछ वैसी ही आबो हवा यूपी में भी देखी जा रही है। अभी तक तो सिर्फ नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में ही प्रदूषण देखा जा रहा था, लेकिन इसकी आंच अब राजधानी लखनऊ में भी दिखाई देने लगी है। जी हाँ, जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो गोमती नगर इलाके की अब से कुछ देर पहले की ही है। दीपावली पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, उस वक्त तो लोगों को बहुत मजा आया, लेकिन अब यही मजा सजा में तब्दील होता चला जा रहा है। बदलते मौसम के बीच सांस पर संकट खड़ा हो गया है, हवा जानलेवा होती जा रही है। प्रदूषण ने मिनी लॉकडाउन जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी है, रोडों पर सन्नाटा छाया हुआ है। पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने में कामयाबी नहीं मिल पाने का असर अब साफ दिखा जा रहा है। ठंड के मौसम के चलते लोगों को इस हवा में घुटन जैसी स्थिति महसूस होने लगी है। सर्दी का मौसम शुरू होते ही हवा में धूल और धुआं का असर साफ दिख रहा है। हवा में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के कई हिस्सों में सुबह से ही फॉग का असर दिखाई दे रहा है। इस कारण विजिबिलिटी पर भी सीधा असर पड़ा है। हवा के पूरी तरह से रुक जाने के चलते स्थिति काफी खराब होती जा रही है। बावजूद इसके शहर में प्रदूषण पर रोक के लिए कोई प्रभावी इंतजाम अभी तक होता नहीं दिख रहा है। बात करें अगर लखनऊ के AQI की, तो ये 369 यानी कि बहुत ज्यादा खराब स्थिति में पहुंच गया है। वैसे जिस तेजी से ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, उससे तो यही लगता है कि बहुत जल्द ये आंकड़ा 400 के पार पहुंच जाएगा। बहरहाल अगर स्थिति पर काबू पाने के लिए प्रभावशाली कदम नहीं उठाए गए तो यकीनन हालात इससे भी ज्यादा बुरे हो सकते हैं। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये शहर अब कोई भी लॉकडाउन नहीं देख सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, दी भारत TV।